आज हम जन कल्याण के लिए जिन माताओं बहनों को श्वेत पदर की समस्या रहती है उनके लिए बहुत ही सरल घरेलू रामबाण नुस्खे बताएंगे और श्वेत पदर होने का कारण और श्वेत पदर के क्या-क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में भी बहुत ही सरल जानकारी देंगे। दोस्तों नमस्कार, सत्य ही है सच की जीत घरेलू नुस्खे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेत पदर लिकोरिया यानी वाहिक डिस्चार्ज महिलाओं की एक कॉमन प्रॉब्लम है। सामान्य भाषा में इसे सफ़ेद पानी जाना कहते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि इसे महिलाएं अत्यंत सामान्य रूप से लेकर ध्यान ही नहीं देती है और शर्मीलेपन के कारण इस बात को छुपाकर किसी को कह नहीं पाती है और इस बीमारी की वजह से महिलाएं अपने आप का काफ़ी नुकसान कर लेती है। ल्यूकोरिया के रोगी में स्त्री के जननेंद्रिय मार्ग से सफ़ेद चिपचिपा गाढ़ा बदबूदार स्त्राव होता है, इसे वेजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं। हर महिला में यह समस्या अलग अलग तरह की होती है। यदि स्त्राव ज़्यादा मात्रा में हरा या पीला हो और साथ में खुजली पैदा करने वाला हो तो यह स्थिति असामान्य मानी जाएगी। हरा या पीला स्त्राव इस बात का संकेत है कि जननेंद्रिय में तीव्र संक्रमण है। इससे शरीर में कमजोरी आती है और कमजोरी आकर श्वेत पदर की समस्या बढ़ने लगती है। श्वेत पदर के कारण कमजोरी होने के साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं, हाथ पैरों में दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, कमर दर्द, शरीर भारी रहना, चिड़चिड़ापन, आँखों के नीचे काले घेरों का पड़ना, थोड़ी सी मेहनत करने पर भी आँखों के सामने अंधेरा छा जाना, भूख कम लगना और जननेंद्रिय मार्ग में तेज खुजली का होना और जननेंद्रिय मार्ग से जो सफ़ेद पानी निकलता है वह बहुत ही बदबूदार होता है, यह सभी ल्यूकोरिया के लक्षण होते हैं। इस पदर रोगी स्त्री की पाचन क्रिया खराब हो जाती है जिससे पेट में कब्ज की समस्या होकर पेट फूल जाता है, सिर में दर्द रहता है और चेहरा मुरझाया हुआ सा रहता है। शरीर में खून की कमी होना भी श्वेत पदर की समस्या का कारण बन सकता है। इससे बचने के लिए आयरन से भरपूर चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन का स्तर कम ना हो और पर्याप्त मात्रा में पोषण युक्त चीज़ों का सेवन करना चाहिए। श्वेत पदर के रोगी को मैदे की बनी चीज़ें और मसालेदार भोजन से बचना चाहिए और किसी भी गर्म करने वाली चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि दवा से ज़्यादा परहेज काम करता है। श्वेत पदर की बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कुछ परहेज करने के साथ साथ यदि योगाभ्यास का नियमित अभ्यास रोगी को रोग से छुटकारा देने के साथ साथ आकर्षण और सुंदर भी बनाता है। अब आपको श्वेत पदर को ठीक करने के लिए छोटे छोटे घरेलू नुस्खे बताते हैं। एक पका केला के साथ घी खाने से पित्त की गर्मी शांत होती है। सुबह के समय एक पके केले की गिरी पर देसी घी चुपड़ कर खाना है और ऐसे ही शाम को एक केला सेवन करना है। आपको एक सप्ताह में ही असर देखने को मिलेगा और 20 दिनों तक इस प्रयोग को करना है। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों समय केला घी से चुपड़कर खाने के बाद ऊपर से 1.5-2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। सिंगाड़े के आटे का देसी घी में बनाया हुआ हलवा कई दिनों तक खाने से श्वेत पदर की समस्या ठीक हो जाती है और सिंगाड़े के आटे की रोटी बनाकर भी खाई जा सकती है। एक चम्मच धाई के फूलों का चूर्ण 2 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम खाली पेट सेवन करने से श्वेत पदर की समस्या मिट जाती है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताते हैं जिसका आपको पहले दिन में ही असर देखने को मिलेगा। इस उपाय को करने से जननेंद्रिय से श्वेत पदर की वजह से बदबू नहीं आती है
और संक्रमण भी ठीक होता है। इसके लिए साफ पानी में फिटकरी का टुकड़ा डालकर 15-20 मिनट तक पड़ा रहने दें। फिर कॉटन को इस फिटकरी के पानी में डुबोकर इस पानी से अपनी जननेंद्रिय की सफाई करनी चाहिए। इससे संक्रमण ठीक होकर जल्दी ही श्वेत पदर की बीमारी से छुटकारा मिलता है। इस फिटकरी के पानी से दिन में 2 बार सफाई जरूर करनी चाहिए। यह बहुत ही घरेलू चमत्कारी रामबाण उपाय है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की जानकारी आपको अच्छी लगेगी। इसी कामना के साथ ईश्वर आपको सुखी और निरोगी रखें। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।